अमदावादना मीठाखाड़ी में एक मकान धराशायी थवानी घटना बनता इजाग्रस्तों ने नजीकनी एसपीपी हॉस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। ज्यारे सारवार पहला तेमनी पासे पैसा मांगवामां आवता विवाद सर्जायो छे। आ गरीब वर्गना लोको पासे पैसा न होवाथी तेमनी सारवार नहीं करवानुं कहता अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशनना विपक्षना नेता शहजाद खान पठान द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं हतुं। आ हॉस्पिटल एएमसी द्वारा चलावामां आवे छे त्यारे तत्कालमां आवेला दर्दीओनी सारवार करवाने बदले पैसा मांगना एसपीपी हॉस्पिटलनी गंभीर बेदरकारी सामे आवी छे। इमरजेंसी मेडिकल नियम छे तेनो जो भंग छे ते एसपीपी हॉस्पिटल खाते करवामां आवे छे। जे प्रमाणे एक दुर्घटना घटी ने दुर्घटना बाद तमाम जे दर्दियों ने सारवार आपवा माटे एसवीपी लावामां आवे परंतु एसवीपी ए सारवार ना करी। जे प्रमाणे मोटा मोटा ताइफाओ करी रह्या छे अलग अलग तहेवारोना पण तो थोड़ा पैसा नथी गरीबो माटे कोई नथी मनमानी अने मानवता मरी परवारी। 750 करोड़ की लागत से बनाया हुआ 1500 बेड का अस्पताल अहमदाबाद शहर के गरीब दर्दियों के लिए काम में नहीं आ रहा। एक तरफ तो वीएस अस्पताल जैसे सेवाभावी अस्पताल को बंद करने का पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया और एसवीपी अस्पताल की सिर्फ मेडिकल सीटों की रचना के लिए यहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया। आज जब मीठाखाली में एक मकान जर्जरी जो घिर चुका था वहाँ के कुछ लोग इंजर्ड लोग जो यहाँ पर आए उन दर्दियों से एक एक दर्दियों से 8-8 हज़ार रुपये मांगे गए और उनको यहाँ पर एडमिट नहीं किया गया। यानी कि ये साफ बताता है कि एसवीपी अस्पताल गरीब और मध्यम वर्गीय विरोधी अस्पताल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। जिस अस्पताल में पेशेंट से ज़्यादा बाउंसर और पेशेंट से ज़्यादा स्टाफ हो तो आप समझ सकते होंगे उस अस्पताल की परिस्थिति क्या होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 50,000 तक की लागत का कोई भी एक्सीडेंट का केस होगा या सीरियस इंजरी होगी उसको 48 कलाक में यहाँ पर सारवार दी जाएगी, लेकिन वो वादा भी एसपीपी ने मानवता से मरी परवारी से सामान्य गरीब दर्दियों ने सारवार आपवाना बदले पैसा ना उघराणा जे छे ते शुरू थई रह्या छे। કેમેરામેન સુરેશ રાજપૂત સાથે મેહુલ દુધરેજીયા મંતવ્ય ન્યૂઝ અમદાવાદ।